बुलंदशहर में दो साथी चोर गिरफ्तार, सामान बरामद। पुलिस गिरफ्त में यह दो आरोपी राजेश और रैदास है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों का चोरी का आपराधिक इतिहास भी है। यह दोनों रात्रि में निकलकर ऐसी दुकानों को तलाश करते हैं जहां पर कीमती सामान अंदर रखा हो। दिन में दुकानों की रेकी करते हैं और रात्रि में शटर को तोड़कर उसमें से सामान निकाल लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक दुकान के शटर को तोड़कर उसमें रखे मोबाइल, लैपटॉप और नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक तमंचा, एक लैपटॉप, 40 मोबाइल, 1500 रुपए नगद बरामद किया है। 30 सितंबर की रात को थाना रामगढ़ क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जिसमें उनका एक लैपटॉप, 40 मोबाइल फोन और 1500 रुपए चोरी गए। थाना रामघाट की पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उसी के क्रम में ये दो चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक राजेश और फुलुक्का है जो गुन्नौर संभल का रहने वाला है, दूसरा रौदास है जो बबराला संभल जनपद का रहने वाला है। ये दोनों साथी चोर हैं। पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे इनके विरुद्ध इनके संबंधित थानों में दर्ज रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही इस घटना का अनावरण हुआ है। संपूर्ण सामान 100% रिकवरी की गई है। लैपटॉप, फोन, पैसे सब बरामद कर लिए गए हैं। इनके कब्जे से असलाह, कारतूस, तमंचा, चाकू आदि बरामद किया गया है।